सब आज। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने, आए हम सब आज। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना, दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार, दर्शन पाने आशीष पाने, आए हम सब आज। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रभु क्रिस्त मेरे प्रिय भाई और बहनों और बच्चों सबों को जय यीशु की जय। शुभल आज की सुसमाचार में हम सुनेंगे प्रभु विश्राम के दिन या शाबत के दिन सभागृह में या सिनेगोग में प्रार्थना करने के। हम समझ सकते हैं उनकी प्रथा के अनुसार साबत के दिन हर यहूदी ईश्वर के दिन माना जाना है और सबको एक प्रार्थनामय जीवन उस दिन को बिताना है और सभी यहूदियों के लिए एकमात्र मंदिर थे वो है यरूशलेम मंदिर। लेकिन उनके पास बहुत सारे सिनेगोग थे या प्रार्थना का भवन थे, वे लोग उस प्रार्थना के भवन में जाया करते हैं। और हम देख सकते हैं आज हम क्रिश्चिय लोगों के लिए ये साबत के दिन या हमारे लिए विश्राम के दिन कहा जा सकता है, रविवार ये दिन विशेष रूप से प्रभु के लिए अर्पित दिन है, प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ उनके संगति में उनको अनुभव करने के लिए। कलीसिया हम सबों से निवेदन करती है रविवार के दिन को पवित्र माना जाना या पवित्र रूप से मनाए जाने के लिए। और हम इस सत्य को भी जानते हैं, कैथोलिक कलीसिया के नियमों में एक नियम है हमें रविवार मिसा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है। हाँ, हम सब जानते हैं इन दिनों में ये लॉकडाउन के वजह से, ये कोरोना बीमारी के वजह से हम सब संडे मिसा बलिदानों में भाग लेना मुश्किल पड़ रहे हैं या कुछ जगहों में विशेष रूप से भारत के कुछ राज्यों में अब तक चर्च में जाना शुरू भी नहीं किया है। लोग ऑनलाइन मिसा के द्वारा इस रविवार मिसा में या अन्य मिसा बलिदानों में भाग ले रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक जीवन को बनाए रख रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें अपने दिल को टटोल कर देखना है, जब इस कोरोना बीमारी शुरू होने से पहले या फिर यह कोरोना बीमारी शांत होने के बाद जब चर्च सब खुल जाएंगे, क्या हम रविवार मिसा में किसी हालत में उसमें भाग लेने के लिए कोशिश करेंगे या पहले करते थे या नहीं? क्योंकि प्रभु येसु के जीवन में हम देख सकते हैं प्रभु येसु खुद प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, प्रार्थना गृह में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से पवित्र ग्रंथ को पढ़ते हैं, प्रभु पवित्र ग्रंथ के ऊपर जो व्याख्या किया जाता है उसको सुनते हैं और खुद
व्याख्या भी किया जाते थे। और यहूदियों के अनुसार सभागृह में पवित्र ग्रंथ को पढ़ाया जाता है, विशेष रूप से सात पाठ पढ़ते हैं, एक पुरोहित द्वारा, एक लेवी द्वारा, बाकी पांच पाठ इसराइलियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। और हम समझ सकते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इस पाठ को पढ़ते हैं, और पाठ को पढ़ने के बाद वो पवित्र ग्रंथ को वहां जो खड़े व्यक्ति के पास दिया जाता है और वो बैठ जाते हैं, और अंत में वो कहते हैं आज जिस पवित्र ग्रंथ में जो भी लिखा है वो पूरा हो चुका है। या माने अपने आप को लोगों के सामने वो प्रकट करते हैं, वो ईश्वर के पुत्र है उसका दावा कर रहे हैं, और अपने आप को वो साक्षी दे रहे हैं ताकि लोग उसमें विश्वास करें। हम इससे पहले भी पढ़े थे, वो नाजरत में आए लेकिन नाजरत में बड़े चमत्कारी कार्य कर नहीं पाए हैं क्योंकि लोगों के विश्वास उनमें नहीं थे, वे लोग प्रभु को विश्वास नहीं करते थे, वे उनको तिरस्कार किया, इसलिए वो नाजरत में अधिक चमत्कार या अधिक महत्वपूर्ण कार्य को कर नहीं पाए। और आज हम फिर देख सकते हैं प्रभु उनके द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है। क्या हम प्रभु को तिरस्कृत करते हैं? हमारे जीवन में जब कभी कोई चमत्कार होते हैं या हम जिसको असंभव सोच के बैठते हैं जो संभव में बदल जाते हैं, क्या हम ये दावा के साथ कह सकते हैं ये प्रभु की आशीष और अनुग्रह की वजह से हुआ है? या हम ये कह सकते हैं प्रभु मेरे साथ है इसलिए मैं सब कुछ करने में समर्थ हूं? आइए जब हम इस विश्व बलिदान में भाग लेते वक्त प्रभु यीशु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, ये प्रभु मुझे पवित्र दिन रविवारी दिन को पवित्र बनाए रखने के लिए शक्ति और सामर्थ्य, और साथ साथ पवित्र ग्रंथ को पढ़ने के लिए एक मन, और उसको समझने के लिए और उसे संजोए रखने के लिए हृदय देने के लिए। आइए हम अपने पापों को स्वीकारे पछताए ताकि इसमें सब बलिदान हम योग्य रीति से चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सद्गुरुओं, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग प्रदया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमेन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे जिससे हम उत्साह पूर्व तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारा भिंद्र में अपनी सभी वरदानों से संचित रख, तदा प्रेम से पोषित करता रह। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते हुए राज्य करते हैं, आमेन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पाठ। आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। मनुष्य के निजी आत्मा को छोड़ कौन किसी का अंतरतम जानता है? इसी तरह ईश्वर के आत्मा को छोड़ कोई भी ईश्वर का अंतरतम नहीं जानता। हमें संसार का नहीं बल्कि ईश्वर का आत्मा मिला है जिससे हम ईश्वर के वरदान पहचान सके। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय प्रज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृतिक मनुष्य ईश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आध्यात्मिक मनुष्य सब बातों की परख करता है, किंतु कोई भी उस मनुष्य की परख नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभु का मन कौन जानता है, कौन उसे शिक्षा दे सकता है। हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाद के प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेम में है। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाद के प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहें, वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाद के प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाएं। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाद के प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है, उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण हैं। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। अनुवाद के प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। जय घोष, आलेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपके साथ भी। संत लुकस के अनुसार पवित्र यीशु समाचार। प्रभु की जय। यीशु गलीलिया के कफरनाहम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, यीशु नाजरी, अब हमसे आपको क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य की भूमि ऊपर भटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उसमें से निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, ये क्या बात है, वह अधिकार के और तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। I'm
और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान ग्रहण करे। ये प्रभु इस भेंट के द्वारा हम तेरे मुक्ति प्रति आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरी भी हो जाए, ऐसे वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू युगहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को ये सोई चा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, हे आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बनते रहे। प्रभु और हमारे संत विदा फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कलिस्ट और सभी याजकों के साथ विश्व में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक उतार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर प्रतिष्ठा की हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता निकुआरी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, प्रेरित गण, सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। ए पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सब बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैंने तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर प्रतिष्ठित डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता वो राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य है हम सब इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कृष्ण का शरीर और रक्त माल्य अनंत जीवन के कारण बने। आमीन। हे जीवन की रोटी प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस महान एवं पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। मैं आपको सब कुछ से अधिक प्यार करता हूं तथा अपनी आत्मा में आपको ग्रहण करना चाहता हूं। क्योंकि इस समय संस्कारिक रूप से आपको ग्रहण नहीं कर सकता हूं, प्रभु आप आत्मिक रूप से मेरे हृदय में आइए। मैं आपको गले से लगाता हूं, जैसे कि आप पहले से ही मेरे हृदय में हैं। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से आपसे संयुक्त करता हूं। मुझे कभी भी अपने से अलग नहीं होने दीजिए। आमीन। हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, तूने हमें दिव्य भोजन से तृप्त कर दिया है। ये भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम लोग बिताले प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।